खबर यह है कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ्फुज़ हासिल होगा और वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी तौर पर क्याम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मुतलका इदारों को हिदायत की गई है कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार ना किया जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को दी गई डेड लाइन में 20 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर अफगान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन है तो 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी का दिन है। नवाज शरीफ की वापसी पर छाए बेयकीनी के बादल छट गए हैं। नून लीग के कायद लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के बाद वो दुबई में मुख्तसर क्याम करेंगे और दुबई से ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सवाल यह है कि नवाज शरीफ के सऊदी अरब और दुबई में क्याम की वजह क्या है, और देखना यह भी अहम है कि वतन वापसी पर रियासत उनके साथ क्या सलूक करती है। एक और अहम मामला जो आज फैसला हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक कानूनी करार दे दिया है और इस कानून के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। इस फैसले के असरात क्या होंगे, इससे आगाज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।